के दिन सुमन लौटी अपनी ससुराल, सफेद कपड़ों में देख भड़की तीर्थ की माँ। तीर्थ की माँ ने सुमन को कहा पनौती। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल ट्रेडी पीप्स, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे सारिका। कलर्स टीवी के पॉपुलर शो सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में क्या नया, क्या खास, क्या धमाकेदार देखेंगे, चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले ताकि हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। सीरियल सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में ढेर सारे ट्विस्टिंग टर्न्स आप देखेंगे, जहां पर आप देखेंगे कि किस तरीके से करवा चौथ का मौका होता है, जहां पर तीर्थ के परिवार में सहिब सभी सुहागन सज धज कर रंग बिरंगे कपड़ों में नजर आती है। लेकिन वहीं सुमन जब अपने ससुराल लौटती है तो सब लोग दंग रह जाते हैं क्योंकि सुमन सफेद कपड़ों में होती है। कारण ये है कि हाल ही में सुमन के भाई ऋषि जो है वो गुजर गए हैं, जिसके बाद मातम मनाती हुई नजर आती है सुमन और वो सफेद कपड़ों में आ जाती है। लेकिन आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर सुमन को सफेद कपड़े में देख देविका और घरवाली शॉक्ड हो जाते हैं। देविका कहती है कि ससुराल में तुम सफेद कपड़े पहन के आई हो। वहीं यहाँ पर देविका के बाद तीर्थ की माँ बुरी तरीके से भड़क जाती है सुमन पे और सुमन को खरी खोटी सुनाती है। जो यहाँ तीर्थ की माँ यहाँ पर सुमन से कहती हो कि आज करवा चौथ का दिन है, सारे सुहागने रंग बिरंगे कपड़े में नजर आ रही है और तुम हो कि सफेद कपड़ों में आ गई, ये कितना बड़ा अपशगुन होता है। यही नहीं, यहाँ पर खूब ताने मारती है तीर्थ की माँ सुमन को और साथ ही साथ यहाँ पर तीर्थ की माँ सुमन को पनौती कहती है। हम आपको बता दें, देविका ने सुमन के खिलाफ भड़का दिया था तीर्थ की माँ को, जहाँ पर तीर्थ की माँ भड़क गई और सफेद कपड़ों में और ज्यादा नाराज हो गई। अब देखना दिलचस्प होगा कि कैसे तीर्थ अपनी सुमन का साथ देता हुआ नजर आएगा और कैसे उसे अपनी माँ की डांट से बचाएगा। सीरियल सुमन इंदौरी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, करंट ट्रैक आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा।